रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि गेहूं से रिलेटेड है। बात करते हैं, इस साल गेहूं की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक चल रही है। यही कारण है कि किसान सरकारी खरीद एजेंसियों पर गेहूं बेचने के बजाय सीधे व्यापारियों को इसकी बिक्री कर रहे हैं। साथ ही गेहूं निर्यात के बेहतर अवसर के कारण ट्रेडर सीधे किसानों से गेहूं की जो खरीद है वो कर रहे हैं। वहीं आटा मिल वालों ने भविष्य में दाम बढ़ाने की आशंका के बीच काफ़ी गेहूं स्टोर कर लिया है। दूसरी तरफ इस बार मार्च में ही तापमान अधिक होने के कारण पैदावार पर इसका असर पड़ा है। पैदावार में कमी और लक्ष्य से आधी सरकारी खरीद के बाद ये चर्चा चल रही है कि सरकार एक्सपोर्ट को नियंत्रित करने का निर्णय ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो गेहूँ की कीमतों में गिरावट दर्ज होगी। गेहूँ के तैयार होने के समय अत्यधिक गर्मी के कारण पैदावार में 15-20% की कमी की संभावना भी है। वहीं प्रमुख राज्यों में गेहूं की खरीद काफ़ी धीमी गति से चल रही है। किसान अधिक दाम मिलने के कारण व्यापारियों को बिक्री कर रहे हैं। ऐसे में सरकारी स्टॉक पर भी इसका असर पड़ा है। इसी वजह से सरकार जून से गेहूं एक्सपोर्ट पर अधिकतम सीमा लगाने की तैयारी कर रही है। वहीं सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वैश्विक स्तर पर गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। किसान सरकारी एजेंसियों पर बिक्री नहीं कर रहे हैं। इस वजह से चालू सीजन में कुल सरकारी खरीद का अनुमान 1.95 करोड़ रह गया है। अगर मौजूदा स्थिति बरकरार रहती है तो सरकार घरेलू खरीद को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर हो जाएगी। वहीं खाद्य एवं सार्वजनिक विपणन विभाग ने अधिकारियों ने स्थिति की बारीकी से निगरानी की वहां पे की जा रही है। जून मध्य तक पैदावार और खरीद के आंकड़े स्पष्ट हो जाएंगे। इसके बाद सरकार आवश्यकता के अनुसार इसका निर्णय लेगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो गेहूँ की कीमत गिर जाएगी और किसान सरकारी दरों पर गेहूं बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालांकि ऐसी ही संभावनाओं के बीच किसान तेजी से ही गेहूं की बिक्री कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब तक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया जाएगा तब तक किसान के पास स्टॉक रहेगा या नहीं रहेगा। तो बड़ी खबर में आज बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अहम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।